Hello everyone, welcome back to your UPSC. So we will continue with our series, that is Apno Rajasthan. Now for today we will look into a new topic, that is Rajasthan first in India. So in this topic we will basically study about all the areas, okay, all the areas, places, institutes or personalities which Yahoo have kept Rajasthan on the top of other states. ठीक है, राजस्थान को first या फिर top position पर रखने वाले वो institutes, okay, वो places, वो personalities, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन discuss करेंगे. So without any further ado, let's get started. Now राजस्थान में सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ नागौर. ओके, सो नागौर में आप देखेंगे नावा नाम की एक प्लेस है. ओके, नावा नाम की एक प्लेस है जो कि इंडिया का फर्स्ट, ओके, फर्स्ट सॉल्ट पार्क है. फर्स्ट सॉल्ट पार्क ऑफ इंडिया. ओके, एंड नावा बेसिकली बिगेस्ट सॉल्ट मार्केट है इन एशिया. ओके, इन एशिया एज वेल एज इन इंडिया ये क्या है, बिगेस्ट सॉल्ट मार्केट है. उसके बाद में आप देखेंगे नागौर इज अ प्लेस जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स का क्या हुआ था, यू कैन से पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स का जो फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए गए थे वो कहाँ किए गए थे, कहाँ किया गया था, नागौर में. नागौर में कहाँ पर, बगदरी विलेज. बगदरी विलेज नागौर, यहाँ पर आप देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था ऑन 2 अक्टूबर 1959. ओके, 1959 में आप देखेंगे बगदरी विलेज में पंचायती राज इंस्टीट्यूट, फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था. ओके, नाउ प्लीज गाइस टेल मी कौन से अमेंडमेंट के तहत, ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूट वॉज ब्रॉट. ठीक है, नाउ उसके बाद में फर्स्ट रेल बस सर्विस जो थी फर्स्ट रेल बस सर्विस वॉज स्टार्टेड इन नागौर एज वेल. ये कब स्टार्ट हुई थी, ऑन 12 अक्टूबर 1994. ओके, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम मेड़ता रोड टू मेड़ता सिटी. ठीक है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक ये रन करती है. कौन सी, फर्स्ट रेल बस सर्विस जो कि स्टार्ट हुई थी ऑन 12 अक्टूबर 1994. ठीक है, नाउ ये हो गया नागौर. नागौर को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे अपन. नागौर में, जस्ट अ सेकेंड, नावा यहां पर क्या है, फर्स्ट सॉल्ट पार्क. ठीक है, आदर्श लवण पार्क यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था इंडिया का. देन पंचायती राज इंस्टीट्यूट, फर्स्ट इंस्टीट्यूट पंचायती राज इंस्टीट्यूट बगदरी विलेज में. ओके, देन फर्स्ट रेल बस सर्विस कहाँ पर थी, नागौर में. ठीक है, डन. नाउ वी विल मूव ऑन टू बीकानेर. बीकानेर में आप देखेंगे बीकानेर को क्या कहा जाता है, निक नेम्स में अपन ने पढ़ा था. प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि बीकानेर को क्या कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद में देखते हैं बीकानेर क्या है. बीकानेर में एशिया की, ठीक है, तो एशिया की है तो ऑब्वियसली इंडिया की सबसे बड़ी जो वुल मार्केट है, वुल मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी वो कहां पर है, बीकानेर में. देन आप देखेंगे एशिया का फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट
ठीक है, सोलर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? ये भी स्टैब्लिश हुआ था इन बीकानेर, बीकानेर में ये स्टैब्लिश हुआ था इन भरूखेड़ा, भरूखेड़ा, एंड इसकी कैपेसिटी है 10 मेगावाट। ओके, तो एशिया का सबसे बड़ा वुल मार्केट, देन आप देखेंगे सोलर थर्मल पावर स्टेशन भरूखेड़ा में 10 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, एंड देन आप देखेंगे बीकानेर में इंडिया की फर्स्ट ऑलिव रिफाइनरी। ओके, ऑलिव रिफाइनरी, इंडिया की पहली ऑलिव रिफाइनरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बीकानेर इन लून करंट सर। ओके, लून करंट सर। अब बीकानेर के बाद में अपन चलते हैं टुवर्ड्स जैसलमेर। ओके, जैसलमेर, जस्ट अ सेकेंड, जैसलमेर में सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप देखेंगे, तो यहां पर इंडिया का फर्स्ट जो फॉडर बैंक है, चारा बैंक जो है, ठीक है, जो फर्स्ट फॉडर बैंक है वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? वो जैसलमेर में स्टैब्लिश किया गया है। देन जो इंडिया का पहला फॉसिल म्यूजियम है या जियोलॉजिकल पार्क है, ओके, जियोलॉजिकल आर्काइव जो है वो स्टैब्लिश किया गया है कहां पर? जैसलमेर में। देन इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर कहां पर है? पोखरण, जैसलमेर में, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 18 मई 1974। ठीक है, 18 मई 1974 में जो क्या है, पोखरण में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट सेंटर क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। एंड जैसलमेर इज ऑल्सो विधानसभा का सबसे बड़ा जो वी कैन से निर्वाचन क्षेत्र जो है विधानसभा का, वो क्या है? जैसलमेर है। ठीक है, नाउ जैसलमेर के बाद आगे चलते हैं टुवर्ड्स जोधपुर। जोधपुर में आप देखेंगे फर्स्ट कोल बेस्ड जो एनर्जी पावर हाउस है, कोल बेस्ड पावर हाउस है, वो कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ? बाप। ठीक है, जोधपुर में बाप। फर्स्ट सोलर एनर्जी से चलने वाला फ्रिज, ठीक है, सोलर एनर्जी से चलने वाला फ्रिज कहाँ पर है? बालेसर, बालेसर जोधपुर। ठीक है, नाउ फर्स्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में एस्टैब्लिश की गई थी इन मंडौर। इसके बाद में इंडिया में सबसे बड़ा जो पांडुलिपि है, ठीक है, उसके रिजर्व्स जो मिले हैं या फिर उसका आप कह सकते हैं भंडार जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? राजस्थान के जो आर्कियोलॉजिकल सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर राजस्थान में जो एंशियंट वी कैन से आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर हमें क्या मिले हैं? पांडुलिपि के काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। ओके, नाउ फर्स्ट पार्क जहाँ पर क्या है, जो पेड़ लगाए गए हैं वो कौन से हैं? ज़ेरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसा पहला पार्क जहाँ पर ज़ेरोफिटिक प्लांट्स फ्लोरा लगाया गया हो, ठीक है, वो कहाँ पर है? जोधपुर में, एंड इस पार्क का नाम है मचिया सफारी पार्क। ठीक है, मचिया सफारी पार्क। देन आप देखेंगे फर्स्ट रेलवे मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन जोधपुर। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट जो वी कैन से लैब है फॉर डेट्स, ठीक है, खजूर की पहली पौधशाला जो है इंडिया की वो कहाँ पर है? वो चौपासनी में है।
ओके, चौपासनी में क्या है, इंडिया की फर्स्ट जो क्या है, डेट लेबोरेटरी, ठीक है, खजूर की पौधशाला। ओके नाउ एक बार वापस से देख लेते हैं, जोधपुर में कोल बेस्ड पावर हाउस है बाप, ठीक है, जो कि इंडिया का फर्स्ट कोल बेस्ड पावर हाउस है। देन फर्स्ट सोलर एनर्जी से चलने वाला फ्रिज कहाँ पर है, बालेसर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मंडौर में। देन आप देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी जो पांडुलिपि के जो रिजर्व्स हैं, जो पांडु वी कैन से लिपि जो है उसके रिजर्व्स जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, राजस्थान में जोधपुर में, ठीक है। नाउ इंडिया का फर्स्ट जो डेजर्ट या फिर जेरोफिटिक जो वेजिटेशन है उसका जो पार्क है, जेरोफिटिक फ्लोरास के लिए जो पार्क बनाया गया है वो है मचिया सफारी पार्क में, ठीक है। रेलवे मेडिकल कॉलेज, इंडिया का फर्स्ट रेलवे मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। एंड देन खजूर की जो पौधशाला है वो कहाँ पर है, चौपासनी में। आगे चलते हैं अपन, वी हैव डन जोधपुर, वी हैव डन जैसलमेर, अब आगे चलेंगे टुवर्ड्स बाड़मेर। बाड़मेर में आप देखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सबसे पहली ओरन पंचायत है, ओरन पंचायत वो कहां पर बनी थी, वो ढोक गांव में बनी थी, ढोक विलेज में, ठीक है। तो ओरन पंचायत क्या है, ओरन पंचायत में आप बेसिकली देखेंगे ये, क्योंकि आपको पूरा एरिया पता है ये क्या है, डेजर्ट एरिया, ओके। तो बाड़मेर भी क्योंकि डेजर्ट एरिया में आता है तो यहाँ पर क्या था, ग्रेजिंग के लिए ग्राउंड नहीं थे, ठीक है, जो कैटल्स थे उनके ग्रेजिंग के लिए ग्राउंड्स नहीं थे। तो दैट इज़ वाई जितने भी लोग हैं विलेज के, ढोक विलेज के, दे केम टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि जो ये एरिया है पूरा, इसको अपन क्या करेंगे, एक तरीके का ग्रेजिंग सेंटर बनाएंगे फॉर कैटल्स, ठीक है। तो इस विलेज में आप देखेंगे काफ़ी सारे वाटर रिजर्व्स हैं, सो दैट जो कैटल्स हैं वो अपनी प्यास बुझा सकें। एंड देन काफ़ी सारे पास्चर लैंड्स हैं जहाँ पर ग्रेजिंग कर सकते हैं कैटल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ओरन पंचायत। देन बाड़मेर में मुनाबाव नाम का एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एल्कोहल में की जो सेलिंग है वो अलाउड है, ठीक है। तो शराब बिक्री करने वाला जो पहला रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, मुनाबाव रेलवे स्टेशन, ठीक है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन के बाद ये हो गया बाड़मेर। बाड़मेर के बाद नाउ वी विल मूव ऑन टू राजसमंद। राजसमंद में आप देखेंगे इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपोर्ट हब, कौन सा है, रेल मगरा, ठीक है, रेल मगरा, ये कहाँ है, राजसमंद में, ठीक है। नाउ राजसमंद के बाद नेक्स्ट इज उदयपुर। उदयपुर में आप देखेंगे फर्स्ट मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उदयपुर में। देन फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्टैब्लिश होगा, वो कहाँ पर स्टैब्लिश होगा, उदयपुर में। देन आप देखेंगे सोलर ऑब्जर्वेटरी जो स्टैब्लिश है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। एंड लास्टली जो इंडिया में पहला डिजिटल मैप बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, डिजिटल मैप, ओके। नाउ उदयपुर कर लिया, उसके बाद अपन चलते हैं डूंगरपुर में। डूंगरपुर में आप देखेंगे देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डूंगरपुर। डूंगरपुर में इंडिया का पहला जो ट्राइबल वुमेन है उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है, बरबूदनिया गांव में, ठीक है। बरबूदनिया गांव में जो ट्राइबल वुमेन है उनके लिए बैंक बनाया गया है, कोऑपरेटिव बैंक है ये, ठीक है, कोऑपरेटिव प्राइवेट बैंक है जो कि ट्राइबल वुमेन के लिए बनाया गया है, जहाँ पर वो अपनी सेविंग्स रख सकती हैं, थोड़ा लोन ले सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। नाउ डूंगरपुर हो गया, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आप देखेंगे
बिजोलिया नाम का एक एरिया है, बिजोलिया में इंडिया का पहला यू कैन से नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, एंड दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज डन बाय पेजेंट्स. ठीक है, पेजेंट्स ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, एंड ये बहुत ही लंबा ये मूवमेंट चला था 1897 से लेके 1941 तक. ठीक है, बीच बीच में कुछ साल के ब्रेक्स आए, बट ये जो मूवमेंट है ये 1897 से लेके 1941 तक चला था. ओके, नेक्स्ट इज कोटा. ओके, कोटा में आप देखेंगे, कोटा में एकमात्र, ठीक है, ओनली जो टेम्पल है विभीषण जी, विभीषण जी जो है उनका टेम्पल कहाँ पर है, कोटा में. ठीक है, नाउ ये हो गया, कोटा हो गया. अब कोटा के बाद अपन चलते हैं आगे टुवर्ड्स टोंक. अब टोंक में आप क्या देखेंगे, टोंक में एक एरिया है, ठीक है, जिसे कहा जाता है मुबारक महल. ठीक है, मुबारक महल एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है, सुनहरी कोठी टोंक. ठीक है, अब मुबारक महल, वाई इज मुबारक महल सो इम्पोर्टेंट, सी बकरा ईद का जो टाइम होता है वहाँ पर, क्या उस टाइम क्या होता है, बकरा जो होता है, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, उसको सेक्रीफाइस किया जाता है. तो इन दिस मुबारक महल इंस्टेड ऑफ बकरा, ठीक है, कैमल का सेक्रीफाइस किया जाता था. ठीक है, कैमल वॉज सेक्रीफाइस्ड, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस किया जाता था इन दिस मुबारक महल. नाउ प्लीज डोंट कन्फ्यूज दिस मुबारक महल विद द मुबारक महल ऑफ जयपुर. ठीक है, जयपुर में भी सिटी पैलेस में एक मुबारक महल है, बट ये वो महल नहीं है जहाँ पर बकरों का सेक्रीफाइस किया जाता था. बकरों का सेक्रीफाइस किया जाता था और इन मुबारक महल ऑफ टोंक. ठीक है, नाउ आगे चलते हैं अपन. तो इंडिया का सबसे बड़ा जो क्लॉक टावर है, ठीक है, जो क्लॉक टावर है वो कहाँ है, धौलपुर में. ठीक है, धौलपुर में इंडिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है जिसका नाम है निहाल टावर. ठीक है, जिसका नाम है निहाल टावर. अब निहाल टावर के बाद में वी विल मूव ऑन टू भरतपुर. भरतपुर में आप देखेंगे ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, ऑर्गेनिक जो मैन्योर है, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट जो कारखाना या फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ लगी थी, भरतपुर में. ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जो फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी वो लगी थी भरतपुर में. अब भरतपुर के बाद में वी विल मूव ऑन टू अलवर. अलवर में आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो अब अपन पहुंचेंगे अलवर में. अलवर में आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अलवर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. ठीक है, जो कि इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है. ओके, देन अलवर में नेशनल लेवल का खेल गांव है, दैट इज स्पोर्ट्स विलेज है, जिसका नाम है तिजारा या जयरौली. ओके, जयरौली या तिजारा. नाउ इसके बाद आप देखेंगे अलवर में फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी, इंडिया की फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगी, है वाटर यूनिवर्सिटी है इन अलवर. ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे
कि पहला जो माइनॉरिटी साइबर विलेज है वो एस्टेब्लिश हुआ है कहाँ पर, अलवर में। अलवर में चंदौली एरिया है, चंदौली एरिया को एस्टेब्लिश किया गया है या इनॉग्रेट किया गया है एज अ फर्स्ट माइनॉरिटी साइबर विलेज। ओके, तो ये हो गया अलवर। अलवर के बाद में वी विल मूव ऑन टू सीकर एंड झुंझुनू। तो झुंझुनू में आप देखेंगे इंडिया का फिफ्थ और राजस्थान का फर्स्ट डंकी रिजर्व सेंटर कहाँ पर है, ढूंढलोत झुंझुनू। ठीक है, देन नेक्स्ट आप देखेंगे पिलानी। पिलानी में जो वी कैन से प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, ये फर्स्ट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है ऑफ इंडिया जो कि है पिलानी में। ओके, पिलानी में ना आगे आप चलेंगे झुंझुनू में ही तो वी विल सी 100 किलोवाट। ओके, 100 किलोवाट की कैपेसिटी वाला एक क्या है, सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, सोलर पावर प्लांट है ऑफ 100 किलोवाट कैपेसिटी। ये क्या है, पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये कौन से एरिया में है, गोरीर एरिया। गोरीर एरिया में है इंडिया की फर्स्ट मिनरल कोर लाइब्रेरी भी। कहाँ पर है, ये भी है कहाँ पर, झुंझुनू में इन अकवाली विलेज। ठीक है, अकवाली विलेज। लास्टली वी विल सी इंडिया का पहला निर्मल ग्राम कौन सा है, बख्तावरपुर। ठीक है, इंडिया का पहला निर्मल ग्राम कौन सा है, बख्तावरपुर। ना आगे चलते हैं सीकर की तरफ। तो सीकर में कोई इंस्टीट्यूट या कोई प्लेस नहीं है, यहाँ पर आप जानेंगे एक पर्सनालिटी के बारे में। उन पर्सनालिटी का नाम है स्नेहा शेखावत। स्नेहा शेखावत इज अ फर्स्ट वुमेन पायलट टू लीड इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे 63rd रिपब्लिक डे, दैट इज़ ऑन 26 जनवरी 2012 इन दिल्ली, रजत पथ में जो एयरफोर्स थी, ठीक है, एयरफोर्स की जो परेड थी उसको डायरेक्ट करने वाली, इंस्ट्रक्ट करने वाली या लीड करने वाली फर्स्ट इंडियन जो विमेन बनी है वो कौन है, स्नेहा शेखावत। स्नेहा शेखावत बिलोंग करती हैं सीकर राजस्थान से, एंड सीकर में वो अजीतगढ़ एरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीकर के बारे में। सीकर के बाद वी विल मूव ऑन टू जयपुर। ठीक है, सीकर के बाद वी विल मूव ऑन टू जयपुर। तो जयपुर में आप देखेंगे इंडिया का फर्स्ट वैक्स म्यूजियम। ठीक है, वैक्स म्यूजियम जो कि क्या है, वैक्स वॉल म्यूजियम है, दैट इज इन जयपुर। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड पार्क विच वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 30th June 2005, ये कहाँ पर है, जयपुर में। जयपुर में ही SMS स्टेडियम है जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडोर क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, देन एनिमल हाउस है, जयपुर का एनिमल हाउस जो है वहाँ पर इंडिया में पहली बार एलिगेटर के रिप्रोडक्शन में सक्सेस मिली थी। इंडिया को एलिगेटर रिप्रोडक्शन में सक्सेस जो मिली थी वो मिली थी इंडिया के, सॉरी, जयपुर के एनिमल हाउस में। ठीक है, देन पहला हाथी गांव, दैट इज एलिफेंट विलेज, कौन सा है, आमेर। ठीक है, आमेर। देन इंडिया का ओनली सॉल्ट म्यूजियम, सॉल्ट म्यूजियम इज इन सांबर। ठीक है, सांबर। इसके बाद आप देखेंगे इंडिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कौन सी है, मुहाना मंडी इन सांगानेर। ओके, फर्स्ट ग्लोबल सिस्टम मोबाइल
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कहाँ पर है, कूकस इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल सिस्टम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कहाँ पर है, कूकस इंडस्ट्रियल एरिया में, ओके। इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो कहाँ है, जयपुर में। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर में। देन इंडिया का पहला होम्योपैथिक जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, जयपुर में। इंडिया का सबसे बड़ा जो ऑयल ट्रेजेडी हुई थी, ऑयल डिपो ट्रेजेडी हुई थी, वो हुई थी 29 नवंबर 2009 में, इट वाज आल्सो इन जयपुर, ठीक है। सबसे बड़ा मिल्क पैकेजिंग सेंटर कहाँ है, कोटपुतली, ठीक है। देन मालविया नगर में आप देखेंगे, मालविया नगर जयपुर में शेल्स का, ठीक है, जो शंख होते हैं उनका काफ़ी सुंदर, काफ़ी अनूठा म्यूजियम है, ठीक है। देन इंडिया का सबसे पहला सबसे सुंदर जो सिनेमा हॉल था, ठीक है, थिएटर था, वो कौन सा है, राजमंदिर, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट करेंसी चेस्ट ब्रांच सर्विसेज कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। नाउ दिस इज डन, इसके बाद में वी विल मूव ऑन टू अजमेर, ठीक है। अजमेर में आप क्या देखेंगे, अजमेर में यू विल सी फर्स्ट एवर, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न या फिर लेटेस्ट इंटरनेशनल लेवल का जो पावर लूम है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का जो पावर लूम है इन इंडिया, ये कहाँ पर है, अजमेर इन सिलौरा विलेज, ठीक है, सिलौरा विलेज में। देन उसके बाद में मार्बल की सबसे बड़ी जो मंडी है, मार्केट है, वो कहाँ पर है, मार्बल की मार्केट कहाँ पर है, अजमेर में। देन सबसे बड़ा हैंडलूम सेंटर कौन सा है, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। इंडियन यू कैन से इंडियन कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इंडिया का फर्स्ट सीड स्पाइसेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर के थ्रू जो इंडिया का पहला नेशनल सीड स्पाइसेस रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पर खोला गया है, वो है तबीजी में, ठीक है। नाउ राजस्थान का फर्स्ट ई लर्निंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनल सेंटर जो है वो कहाँ पर है, अजमेर में, ठीक है। वो कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, केकड़ी अजमेर में, ठीक है। अजमेर राजस्थान का या देश का, इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डाकिया ग्रीन व्हील्स, ठीक है, जो कि पोस्टमैन है वो ग्रीन व्हील्स से चलेगा, जो कि क्या है, एक सोलर एनर्जी से चलने वाली क्या है, व्हीकल है, ठीक है। तो वो क्या है, ग्रीन व्हील्स, वो सोलर एनर्जी से चलेंगे, एंड डाकिया जो पोस्टमैन है वो उस पर चलेगा, एंड क्या करेगा, ऑब्वियसली पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओके। सो ये थे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ से, जो कि इंडिया में राजस्थान को फर्स्ट बनाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम देम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि राजस्थान को इंडिया में टॉप पे लेके आती हैं, जैसे कि इंडिया का पहला जो सोलर पॉलिसी है, इंडिया में पहली बार जो सोलर पॉलिसी बनाई गई थी, सोलर एनर्जी के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, वो एक्सेप्ट की थी राजस्थान ने ऑन 13 अप्रैल 2011, ठीक है। नाउ इसके बाद में आप देखेंगे पाटा, ये क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन है, इसने फर्स्ट प्राइज दिया था इंडिया को, इंडिया में
राजस्थान को फर्स्ट टाइम, ठीक है, इंडिया में पहली बार राजस्थान को ये फर्स्ट प्राइज मिला था पाटा की तरफ से, एंड इट वॉज फॉर मार्केटिंग टूरिज्म पोटेंशियल. पाटा ने दिया था फॉर मार्केटिंग टूरिज्म पोटेंशियल. ठीक है, नाउ राजस्थान इज फर्स्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन. ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन में फर्स्ट है. बॉल बियरिंग का जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, वहाँ पर आप क्या देखेंगे, वो एशिया में काफ़ी नाम रखते हैं, काफ़ी रेनाउंड है. ठीक है, इसके बाद में जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्ट डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू अजमेर और उदयपुर जो एरिया है, मंडल जो है, वहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं. ट्रैक एंड ट्रेस सर्विसेज स्टार्ट की गई हैं. तो इस टाइप की जो सर्विसेज स्टार्ट करने वाला स्टेट है, पहला ऐसा कौन सा स्टेट है, वो है राजस्थान. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी किसने अपनाया था सबसे पहले, राजस्थान ने. ठीक है, देन आप देखेंगे काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि वॉलस्टोनाइट. वॉलस्टोनाइट में अब पाली, प्रेजेंट में पाली का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वॉलस्टोनाइट. बट उससे पहले इन 1969 सिरोही फर्स्ट रैंक पे था. ठीक है, फ्लोराइट में डूंगरपुर आप देखेंगे, देन जैस्पर, मार्बल, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, देन सिल्वर. ठीक है, उसके बाद में टंगस्टन, सोपस्टोन, इन सब में आप देखेंगे कि राजस्थान की बेसिकली मोनोपोली है. ठीक है, इन सारे मिनरल्स में राजस्थान की बेसिकली क्या है, मोनोपोली है. ठीक है, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो पॉलिसीज है उसको लागू करने वाला, ठीक है, सबसे पहला स्टेट कौन सा है, राजस्थान. ठीक है, नाउ वर्ल्ड बैंक के हेल्प से जो फार्मिंग है, ठीक है, फार्मिंग में बेसिकली मॉडिफिकेशंस लाने के लिए या फिर वी कैन से इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता लेने वाला कौन सा स्टेट है, राजस्थान. नाउ जेनेरिक मेडिसिंस का जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन था, जेनेरिक मेडिसिंस को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला स्टेट है राजस्थान. एंड राइट टू एजुकेशन का जो अभियान है उसको इंडिया में सबसे पहले शुरू करने वाला है राजस्थान. 2009 में चाइल्ड ट्रैकिंग एक्ट राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई थी. एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉलिसी को लागू करने वाला भी पहला स्टेट कौन सा है, राजस्थान. हिना जो है, हिना मेहंदी जो होती है, उसके प्रोडक्शन में भी राजस्थान टॉप पर है. एंड लास्टली आप देखेंगे कि राइट टू बी हर्ड जो एक्ट है उसको लाने के लिए, उसके उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें भी राजस्थान क्या है, फर्स्ट स्टेट है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट राजस्थान. राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि राजस्थान को टॉप ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स में लेके आते हैं. सो नाउ वी हैव डन दिस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर फॉर टुडे. सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज, इशूज़, या फिर आपको कोई सजेशन देना है, वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो लेट्स एंड आवर वीडियो फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.